हेलो एवरी वन एज यू ऑल नो दिस इज ने आरकती वारीस गाइड वो बैक विथ ऑल न्यू सीरीज रिलेटेड टू योर न्यू सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस फाइनेंस सो इसके बारे में आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की थी तो हम बिजनेस फाइनेंस को कवर अप करने वाले हैं एज पर एन ई पी राइट गाइड सो अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं चेक की है तो so उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर चेकआउट करेंगे वहां से जो भी कॉन्टेंट है उसको स्टडी करेंगे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप एस डब्ल्यू एन टी सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेस दिस वीडियो तो नाउ गाइज इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस सो इस पार्ट को जिसने देखा वही फर्दर अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा और जिसने नहीं देखा है उसको आगे दिक्कत होगी बिकॉज बेसिक जो होता है ना उससे ही चीज़ें बनती हैं वो फाउंडेशन होती है एंड देन वो आगे जाता है तो इसको देखना इस पूरे पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो हम आज समझेंगे कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्या नेचर है उसको डिस्कस करेंगे फाइनेंस ऐसा वर्ड है जो आपने सुना ही होगा कि फाइनेंस क्या है बिजनेस फाइनेंस क्या है फाइनेंस बेसिकली आप किससे रिलेट करते हो एक जो टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में फाइनेंस से आती है वो आती होगी आपके मनी से ठीक है और बिजनेस में मनी का क्या रोल है वो आपको पता है बिजनेस बिना पैसों के हो सकता है नहीं हो सकता बिजनेस अगर आपको स्टार्ट भी करना है तो भी आपको पैसा ही चाहिए अगर आपको उसके बारे में रिसर्च uh, भी करनी है देन यू ऑल्सो यू नीड अ मनी ठीक है फर्दर उसको रन करना है देन ऑल्सो नीड मनी और अगर वाइंड अप भी करना है देन भी वहां पे सब पैसों का ही खेल है सो so, बिजनेस में जो फाइनेंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तो कन्फर्म है सो अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस में फाइनेंस है क्या दैट इज बिजनेस फाइनेंस है क्या सो बिजनेस फाइनेंस इनकम्पास द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड अदर वैल्यूएबल एसेट सिर्फ मनी ही नहीं मनी से रिलेटेड मनी से रिलेटेड आपके एसेट भी हैं ठीक है एसेट को भी आप रिलाइज कर सकते हो मनी में ठीक है मान लो आपके वहाँ पे फर्नीचर है मशीन है वगैरह आप कल को बेचोगे तो आपको पैसा ही मिलेगा ठीक है तो या फिर अपने पैसों से ही उसको खरीदा होगा तो मनी कैसे मैनेज कर रहे एक बिजनेस में आपके जो एसेट्स हैं जो वेल्युबल एसेट्स हैं उसको कैसे मैनेज कर रहे हो ताकि जो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के वो पूरे हो पाए दिस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस तो बिजनेस फाइनेंस में बेसिक हम बिजनेस के फाइनेंस स्टडी करते हैं बिजनेस कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करता है बिजनेस कैसे अपने फाइनेंस को कंट्रोल करता है प्लान करता है कैसे उसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज करनी है इन सब चीजों में हम डिस्कशन करते हैं बिजनेस फाइनेंस में सो इट इन्वोल्व मेकिंग फाइनेंशियलो इफेक्टिवली बिजनेस को अपने पैसों से ही सारा काम करना है तो पैसों के बारे में कैसे डिसीजन लेने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है कैसे कैपिटल रेज करनी कहाँ से पैसा लाना है लोन से लाना है या शेयर होल्डर से लाना है कैसे बजट तैयार करना है कैसे अपने कैश फ्लो को मैनेज करना है इफेक्टिवली कि पैसा आ भी रहा है जा भी रहा है ऐसा नहीं कि सिर्फ जा ही रहा है आ नहीं रहा है तो कल को बंद हो जाएगा इन सबसे रिलेटेड आप क्या करते हैं चीजें करते हैं बिजनेस फाइनेंस में जिससे बेसि बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं आप बिजनेस में द प्राइमरी गोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू एंड इंश्योर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी अगर आप बिजनेस फाइनेंस का प्राइमरी गोल पूछे कि सबसे मेन गोल क्या है बिजनेस की फाइनेंस का वो होता है कि शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना कि जो भी शेयर होल्डर है शेयर होल्डर क्या ओन कर रहे हैं शेयर होल्डर के पास हमारी कंपनी के क्या है शेयर्स हैं ठीक है ठीके? जो हमारी कैपिटल्स को हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट तोड़ते हैं वो एक जो पार्ट होता है छोटा पार्ट उसको हम क्या कहते हैं शेयर कहते हैं ठीक है मान लो कि दस लाख की कैपिटल है आपने दस लाख की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में जैसे दस दस रुपए के शेयर में डिवाइड किया तो शेयर होल्डर आप किस पर्सन ने आपकी कितने शेयर कैरी किए हैं ठीक है वो क्या है आपका शेयर होल्डर होगी वैल्यू तो आपके क्या कहना है अपने जो शेयर होल्डर हैं उनके पास जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाना है अब शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी आपके मार्केट के शेयर्स की वैल्यू कैसे बढ़े आपको क्या लगता है रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा कैसे है टाटा के शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा कैसे है एज कंपेयर टू लोकल कंपनीज क्योंकि उनकी मार्केट में क्या है एक रेपुटेशन है दे आर फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ पैसा नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पैसे के साथ अपने कस्टमर को वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज रहा है जिसके वजह से उनके जो शेयर्स की वैल्यू है वो मार्केट में ज़्यादा है तो अगर कोई भी शेयर होल्डर उसको ख़रीदता है तो उसको क्या है रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो हमें मेन फोकस क्या है बिजनेस का कि हमें अपने शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना है और अपनी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा रखना है स so business. Business क्या है वो पैसा जो चाहिए होता है हमें बिजनेस को शुरू करने के लिए उसको चलाने के लिए उसको बढ़ाने के लिए फ्यूचर में और जब हम बिजनेस में फाइनेंस को प्रॉपर मैनेज करते हैं दिस इज वॉट दिस इज बिजनेस फाइनेंस फंडेड टू अक्वायर टेन्जेबल एसेट फर्नीचर मशीन बिल्डिंग हर जगह पैसा चाहिए चाहिएबल एसेट के लिए टेंजिबल असेट के लिए आपको कुछ भी चाहिए आपको पैसा चाहिए पैसे को कैसे मैनेज करना है पैसे को कैसे यूज करना है कैसे डिसीजन लेने हैं कहाँ से लाना है वो सब हम इन्वॉल्व करते हैं अंडर योर बिजनेस फाइनेंस तो बेसिक मीनिंग क्लियर हो गई है नेक्स्ट आता है कि क्या एलिमेंट्स हैं बिजनेस फाइनेंस में बिजनेस फाइनेंस में बेसिकली करते क्या है ठीक है तो क्लियर है कि जो बिजनेस का फाइनेंस है उसको प्रॉपर मैनेज करना उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना ये सारी चीजें बिजनेस फाइनेंस में है ये है बिजनेस फाइनेंस नेक्स्ट आता है कि बिजनेस फाइनेंस में हम बेसिक क्या करते हैं पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे कि बिजनेस फाइनेंस बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस कंसिस्ट करता है मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं बिजनेस फाइनेंस में ये पूरे फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं कि कहाँ से पैसा जो है लगना है या कहाँ से आना है वो सब पूरा प्लान बनाते हैं फिर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं ठीक है रेस करते हैं अमाउंट मान लो आपने क्या आ, शेयर होल्डर आ, इक्विटी से कर लिया या फिर आपने आ, लोन लेके कर लिया फिर उसको कंट्रोल करना कि जो पैसा जितना आया है उसको जहां जहां यूज करना था प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा है या कहीं ओवर स्पेंडिंग हो रही है या कहीं पैसा डूब रहा है तो कैसे एक्शन लेके उसको सही कर सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स को मॉनिटर करना देखते रहना कैसे आप मैनेज कर रहे हैं ये आप बिजनेस फाइनेंस के अंदर करते हो ठीक है नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग वही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है फाइनेंस का प्लानिंग तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है मेन फाइनेंशियल गोल्स क्या है आप क्या अचीव करना चाहते हैं बिजनेस में अगर फाइनेंशियल टर्म में देखें आप कितना प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं आपका क्या गोल है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाना ताकि आप उस गोल को अचीव कर पाओ मान लो आपका फाइनेंशियल गोल है कि आपको मान लो मंथली टू लैख सेल करनी है तो कैसे स्ट्रैटेजीज बनाएंगे उसको अचीव करने के लिए वो हम हाँ... फाइनेंशियल प्लानिंग में डिटरमाइन करते हैं या हमें इतना पैसा बचाना है तो हम कैसे करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग इन्क्लूड्स फोरकास्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल फ्यूचर में फाइनेंशियल नीड्स क्या होंगी वो पता लगाना कि इतने पैसे की हमें जरूरत होगी तो उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कितना पैसा हमारे पास रहे उस टाइम तक बजट तैयार करना रोड मैप तैयार करना कि इस इस तरीके से ही पैसा जो है वो खर्च होगा ताकि तो आप सिस्टमेटिकली चीजों को मैनेज करते हुए चल पाओ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिजनेस फाइनेंस में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेते हैं मतलब वो भी डिसीजन लेते हैं जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लाइक आपके पास पैसा आपने पहले प्लानिंग की कि पैसे कहाँ से आने हैं या किस तरीके से मैनेज करना है ये सब चीजें आप कर रहे हैं नाउ अब उस पैसे को इन्वेस्ट भी करेंगे ना अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग एसेट में बिजनेस को मशीन्स खरीदनी है या कुछ नया लोकेशन में कोई प्लॉट खरीदना जहाँ पे वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाए नेक्स्ट ब्रांच सेटअप कर पाए तो उसमें कैसे डिसीजन लेने हैं वो भी हम बिजनेस फाइनेंस के अंदर पूरा देखते हैं क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड रिलेटेड सब मनी से रिलेटेड है बिजनेस के फंड से रिलेटेड है सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा अपॉर्चुनिटी रिटर्न कहाँ ज़्यादा है या रिस्क कहाँ कम है ठीक है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं हम लोग बिजनेस फाइनेंस में नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कि हमारा जो कैपिटल है मान लो कंपनी के जो कैपिटल है ओवरऑल जो उसकी कैपिटल है वो कैसे है मतलब उसमें कितना पोर्शन इक्विटी का है कितना बाहर के शेयर होल्डर ने हमारे शेयर खरीद के पैसा लगा रहा है हमारी कंपनी में या कितना पैसा हमने उधार लेके अपने बिजनेस में लगाया है वो देखना उसका उसको डिटरमाइन करना कि हम कहाँ से बाहर से कितना लेंगे अंदर से कितना लेंगे वो सब चीज़ें बिल्कुल डिटरमाइन करना ठीक है ताकि हम अपने एक्टिविटीज को कर पाए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर पाए पैसा रहे तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे वो भी हम हाँ बिजनेस फाइनेंस के अंदर डिसाइड करते हैं कि, कि कितना पैसा मान लो मान के चलते हैं कि थर्टी परसेंट जो है वो डेट के थ्रू आएगा सेवेंटी परसेंट विल रेस थ्रू इक्विटी तो वो कैसे होगा वो सब चीजें डिटर्माइन करना और डिसीजन को बनाना तो ये सब डिसीजन आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्पैक्ट करते हैं आपके फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल को ऑफकोर्स अगर आप बाहर से ज्यादा ले रहे हैं तो आप फाइनेंशियल रिस्क पे हो ठीक है रिस्क मैनेजमेंट भी हम बिजनेस फाइनेंस के अंदर करते हैं कि हमें क्या करना है फाइनेंशियल रिस्क को देखना है उसको आइडेंटिफाई करना है एसेस करना है और कोशिश करना है कि वो रिस्क से हम अपने आप को बचा पाए ताकि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट हो पाए मान लो आपको लग रहा है कि आप जिस भी सोर्स से पैसा उठा रहे हैं बाहर के उसमें आपका काफी ज्यादा रिस्क है तो आप उस रिस्क को ओवरकम कैसे कर सकते हो मान लो कोई रिजर्व बना के रख लिया कि कल को ये रिस्क होता है तो फिर हम अपने आप को सेफ साइड में ले जा पाएंगे राइट या फिर आपको लग रहा है कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां पर रिस्क है पैसा डूब सकता है तो फिर उसके लिए भी सोच के चलना कि कैसे हम उसे कम कर सकते हैं ठीक है क्रेडिट रिस्क हो सकता है ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है लिक्विडिटी रिस्क मीन्स मान लो आपके जो जिन्होंने आपसे उधार लिया है वो आपको रिस्क है कि वो पैसा नहीं दे पाएंगे टाइम पे ठीक है या फिर जो आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा कैश में सो तो वो भी रिस्क है तो उसको भी लेके चलना और सोचना नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचर और बिजनेस फाइनेंस की तो बिजनेस फाइनेंस का नेचर जो है वो हम डिस्क्राइब कर सकते इन पॉइंट्स के थ्रू पहला है बिजनेस फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑफ फंड बिजनेस फाइनेंस में हम अलग अलग टाइप के फंड्स को स्टडी करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मीडियम ठीक है जो बिजनेस को चाहिए होता है फाइनेंस क्या है बेसिक पैसा ठीक है फंड्स जो हमें चाहिए तो बिजनेस को शॉर्ट टर्म फंड्स की भी जरूरत होती है ताकि वो डेली एक्टिविटीज वगैरह कर पाए मीडियम टर्म की जो मतलब ज्यादा भी अमाउंट नहीं चाहिए ठीक है लेकिन कम भी नहीं चाहिए मीडियम टर्म्स की लॉन्ग टर्म्स बेसिकली जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन uh, के लिए हमें पैसा चाहिए ठीक है बड़ा लैंड खरीदना उसके लिए मैं पैसा चाहिए या एक नई ब्रांच खोलनी है तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होगा जो हमें लंबे समय तक के लिए चाहिए होगा सो so, उसको हम स्टडी करेंगे एनी टाइम ऑफ बिजनेस नीड दिस फंड अस एनी टाइप ऑफ बिजनेस नीड दिस बिजनेस फाइनास इट इज दट मोस्ट फॉर द कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस हो उसको पैसों की जरूरत होगी अगर आप ये कह दो कि मेरा तो ठेले का बिजनेस है ठेले पे मैं फ्रूट्स तो बेचता हूँ मुझे क्या पैसों की जरूरत तो क्या आप लगता है आपको नहीं होगी स नॉट होगी हर टाइप ऑफ बिजनेस में पैसों की जरूरत होती है द वॉल्यूम रिक्वायर्ड डिफरेंस हाँ जो पैसा कितना चाहिए वो डिफर कर सकता है बिजनेस टू बिजनेस स्मॉल को कम फाइनेंस चाहिए बड़े को ज्यादा फाइनेंस चाहिए वॉल्यूम डिफर कर सकता है बट अब ये ना हो फंड्स नहीं चाहिए वो गलत है इन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस सीजन रिक्वायर डिफर हाँ अलग अलग सीजन्स में भी जो पैसों की जरूरत है वो भी अलग अलग होती है मान लो कोई जूस का बिजनेस है ठंडे जूस का बिजनेस है जिसका जो डिमांड है वो ज़्यादा समर सीजन में है तो उस टाइम पे उसको ज़्यादा पैसों की जरूरत होगी जब वो पीक पे होगा द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिस्क्राइब द स्केल ऑफ ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द कंपनी जो कितना जितना फंड चाहिए जितना पैसा चाहिए उससे आप ये भी बता सकते हैं उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना है मान लो कोई बिजनेस इसको करोड़ों रुपए मंथली uh, चाहिए हो तो आप बता सकते हैं इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है वो तगड़ा होगा तभी इतना पैसे की जरूरत है या कम चाहिए तो उस हिसाब से आप आ सकते हो बिजनेस जो है वो छोटा है तो ये हो गया आपका कि बिजनेस फाइनेंस का नीचे क्या है कि बिज़नेस फाइनेंस जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ फंडस होते हैं अलग अलग टाइप ऑफ मतलब कोई भी बिजनेस हो पैसों की जरूरत होगी होगी डिफर कर सकता है वॉल्यूम कितना है बड़ा है और छोटा है उसके हिसाब से उसका पैसों का रिक्वायरमेंट कितना वो डिफर कर सकता है सीजन के हिसाब से पैसे की डिमांड डिफर कर सकती है अमाउंट जो है बिजनेस को कितना चाहिए उस हिसाब से हम उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं सो so, ये हमने डिस्कस किया आपका बिजनेस फाइनेंस बेसिकली आई होप आप समझ पाए स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे इसका राइट गाइड थैंक यू